आज की इस कक्षा में हम गुणनखंडन अर्थात फैक्टराइजेशन के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और इसका पहला है ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 49। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो दिए गए इस व्यंजक में तीन पद हैं, इसमें से पहला ये वर्ग के रूप में है ए स्क्वायर, और तीसरा 7 का वर्ग है, 49 है अर्थात 7 का वर्ग है। तो हमारे पास जो सर्व समीकरण यहां 4 दी गई हैं, उसमें से हम मिलान करते हैं तो हम पाते हैं कि ये पहले वाले सर्व समीका के अनुसार लग रहा है। इसे और थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर और इस 14 को हम लिख सकते हैं 2 into a into 7, और 49 को 7 square। अब आप देखें कि बिल्कुल ये पहले वाले सर्व समीका के अनुसार हो गया है। इससे तुलना करके देखें, a है यहां तो यहां भी a है, यहां b है तो b की जगह 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 7 का होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस 7 इंटू a प्लस 7। तो ये हमारा दिए गए व्यंजक का गुणनखंड आ गया। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, तो इसे भी हम दिए गए सर्व समीकरणों से मिलान करते हैं। तो यहां माइनस है, तो माइनस दूसरे पद में माइनस है, यहां देख रहे हैं इस दूसरे वाले सर्व समीका में भी दूसरे वाले पद में माइनस है, लेकिन तीसरा पद जो 21 है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, जबकि यहां पर ये तीसरा पद वर्ग है। तो और हम देखते हैं यहां ये चौथे वाले जैसा दिख रहा है। ये तीसरा पद 21 है तो 21 को हम लिख सकते हैं इसका गुणनखंड 7 × 3, और 10 को इन दोनों गुणनखंड के योग के रूप में हम लिख सकते हैं, 7 × 3 = 10 होता है। तो आइए इसे हल करते हैं, आर स्क्वायर माइनस 10 को हम लिखेंगे 7 × 3 × r प्लस ये 7 × 3 आर स्क्वायर। अब इस r से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7r - 3r। चूंकि ये ब्रैकेट से पहले माइनस था इसलिए ये प्लस माइनस में बदल गया, प्लस 7 × 3। अब इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस 3r माइनस 7 × 3। चूंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदल गया। अब यहां से हम कॉमन लेंगे तो ये r कॉमन होगा और यहां बचेगा r माइनस 7, और यहां बचेगा यहां कॉमन होगा हमारा 3, तो यहां हो जाएगा r माइनस 7। अर्थात अब इन दोनों में देख रहे हैं तो हमारा कॉमन आ रहा है r माइनस 7 और यहां बच गया r माइनस 3। तो हमारा दिए गए व्यंजक का गुणनखंड आ गया r माइनस 7 इंटू आर माइनस 3। पहले प्रश्न का प्रश्न संख्या 3, पी स्क्वायर माइनस 17p - 38। तो इसे हम सर्व इन चारों सर्व समीकाओं में से देखते हैं किसके अनुसार है, तो यह हमें नजर आ रहा है चौथे सर्व समीका के अनुसार है। तो यहां पर हम 38 को लिख सकते हैं 19 × 2, और ये जो 17 है इसको हम कैसे ला सकते हैं, 19 × 2। हाँ, ये दो गुणनखंड थे उनके घटाव के रूप में हम इसे लिख सकते हैं 17 को। तो आइए इसे हल करते हैं, पी स्क्वायर माइनस, अब ये 17 के जगह हम लिखेंगे 19 × 2 इंटू पी, और 38 ये है ये 19 × 2, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर
माइनस 19p और ये प्लस 2p। चूंकि पहले ये ब्रैकेट से पहले माइनस था इसलिए ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल गया, ये माइनस प्लस में आ गया और ये माइनस 19 इंटू 2। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 19p प्लस 2p माइनस 19 इंटू 2। अब इसमें अब देखते हैं कि क्या कॉमन है, p कॉमन है तो ये p हो गया और यहां बच गया p माइनस 19 और यहां 2 कॉमन है, p माइनस 19 बच गया ये, तो ये हो गया हमारा p माइनस 19 r इंटू पी प्लस 2। तो ये दिए गए व्यंजक का गुणनखंड आ गया। अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं तो इसे थोड़ा पहले विस्तार कर लेते हैं। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये 12x को लिख सकते हैं 2 गुना 2x इंटू 3 और ये 9 को लिखते हैं 3 स्क्वायर। तो ये बिल्कुल पहले वाले सर्वसमिका के अनुसार आ गया तो ठीक वैसा ही होगा, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इससे तुलना करते हैं तो a की जगह यहां है 2x और b की जगह है 3, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है इसलिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अर्थात 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये दिए गए हमारे व्यंजक का गुणनखंड आ गया। प्रश्न संख्या 5 ये है 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब हमें इन सर्वसमिकाओं से तुलना करके देखते हैं किसके अनुसार है, ये ठीक हमारे पहले सर्वसमिका के अनुसार है। तो यहां था a की जगह यहां 3x है और b की जगह 5 है तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर अर्थात 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब छठा नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4x टू द पावर 4 जो है तो इसे हम 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3x, तो देखिए 2 × 4 = 12 हो गया और x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया और ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। अब इसे तुलना करते हैं तो ये भी पहले सर्वसमिका के अनुसार है, a की जगह है यहां 2x स्क्वायर और ये b की जगह है यहां 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसका होल स्क्वायर अर्थात ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम यहां और देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ कॉमन निकलेगा और इसमें भी कॉमन निकलेगा, तो यहां देख रहे हैं यहां क्या कॉमन है हमारा x, तो यहां से x कॉमन निकल गया तो ये हो गया 2x प्लस 3 और यहां से भी हमारा कॉमन निकल गया तो x 2x प्लस 3 अर्थात हमारा हो गया ये x और x हो गया x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। प्रश्न संख्या 7 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77, तो
हम यहां 77 यानी 77 को लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं 11 गुना 7, 11 सत्य 77 होगा। और ये जो बीच का पद है इसमें है 4, तो इस 4 को हम 11 घटाओ 7 ऐसा लिख सकते हैं। तो आइए इस तरह से लिख कर देखते हैं, तो ये 4 के जगह लिखते हैं 11 घटाओ 7 इंटू एक्स, और 77 की जगह लिख रहे हैं 11 गुना 7। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 11x और -7x -11 गुना 7। इसे अब मिटा दे रहे हैं, अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये -7x प्लस 11 गुना 7। चूंकि ब्रैकेट से पहले यहां माइनस हमने दिया है तो ये अंदर का जो चिन्ह था वो माइनस से ये प्लस हो गया। अब यहां कॉमन क्या है, ये x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 11, और यहां 7 कॉमन है तो ये x प्लस यहां 11 बच गया। अब इन दोनों में देख रहे हैं तो x प्लस 11 ये कॉमन है और यहां बच गया है x माइनस 7। तो हमारे दिए गए व्यंजक का गुणनखंड आ गया x प्लस 11 और ये x माइनस 7। अब हम 8वां नंबर प्रश्न ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4। इसे हम लिख सकते हैं x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 और इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये किसके अनुसार है, ये हमारा दूसरे वाले सर्वसमिका के अनुसार है। यहां a है तो a की जगह यहां पर है एक्स बाई 2 और b की जगह है 2, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, अर्थात एक्स बाई 2 माइनस 2 इंटू इंटू एक्स बाई 2 माइनस 2